नमस्कार, आप देख रहे हैं देश तक, हर खबर एक नजर। देश तक आपको वो सारी खबरों से करवाएगा रूबरू, जिससे आप हैं तो सुदूर। आप हमारे पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक जानकारी के लिए www.deshtak.in पर लॉगिन कर सकते हैं। वाकई कुछ कर दिखाने का जज्बा और कड़ी मेहनत इंसान को कुछ कर गुजरने की एक पहचान दिला देती है। ऐसा ही कर दिखाया है मधेपुरा का एक लाल ने, जिन्होंने 10th क्लास में पढ़ते हुए उन्होंने एक ऐसे यंत्र बनाया है जिसे देखने के बाद वाकई आपको ऐसा लगेगा कि जिस उम्र में बच्चा पढ़ता है, खेलता है और माँ बाप के पैसे पे ऐसो इशरत करता है, इन्होंने क्या कुछ कर दिखाया है और इन्होंने क्या कुछ देना चाहता है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे तमाम तरह की जानकारियाँ हम करेंगे साझा, कितनी कम उम्र में इन्होंने क्या बनाया है। वाकई ये चीज़ आने वाला कल उन लोगों के लिए बेहतर होगा जिन लोगों को लगता है कि साइबर क्राइम की दुनिया में क्राइम वाकई बढ़ा है, तो उन चीज़ों को इन्होंने बंद करने के लिए काफ़ी मशक्कत करने के बाद एक यंत्र तैयार किया है। इनसे हम चलते हैं, बात करते हैं कि क्या इन्हें कुछ ऐसा लगा कि वाकई हमें ऐसा करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, मिलाते हैं आपको क्या ऐसे लाल से जिन्होंने क्या कुछ कर दिखाया है और एक ऐसे यंत्र का इन्होंने प्रयोग किया है जिसे देखने के बाद वाकई आपके दिल में एक जज्बा पैदा होगा कि हम क्यों नहीं कर सकते। चलिए, आपको मधेपुरा लाइव न्यूज़ की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आपने एक ऐसे यंत्र बनाया है जिसे देखने के बाद वाकई कोई भी इंसान इसे देखेगा और समझेगा कि आप कैसे इसको इतना कम उम्र में इतना अच्छा चीज़ बनाया है। बताइए, क्या आपने ऐसा कुछ किया है और कितना कम समय में आपने इसको कैसे तैयार किया है? जी, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरी भी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। मैं आप बताना चाहूँगा, आज को साइबर क्राइम जो हमारा जो डिवाइस है वो बैंक सिक्योरिटी डिवाइस के तहत काम करती है। इसमें हमारा जो कभी क्राइम बढ़ रहा है उसमें तीन चीज़ को देखा गया, ATM को लेकर के। या तो ATM उखाड़ कर ले जाती है, और दूसरा इस ATM को गैस कटर से काट करके उड़ाता है, और तीसरा है साइबर क्राइम। और हम बात करते हैं पहला पर, इसको उखाड़ कर ले जाने पर। पहले आदमी यहाँ पर आएंगे, कोई भी आदमी यहाँ आने के बाद अपना ATM स्लॉट देंगे, इसके बाद आईडी स्कैनर देंगे, इसके बाद हमारा गेट ऑन होगा। इस गेट ऑन होने के बाद वो आदमी प्रवेश करेंगे और ये गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जो ATM कार्ड शुरू में दिया गया था गेट पर, वही ATM स्लॉट ATM में इन करेंगे। उसके बाद इसको इंटर करने के बाद उसकी रुपया मांगेंगे, वो कितना निकासी करना चाहता है, तो निकासी की बटन दबाएंगे और फिर ओनली आईडीस देंगे और उसका रुपया निकल जाएगा। यदि कोई इसके साथ छेड़खानी करता है या फिर इसको तोड़ने का प्रयास करता है, तो पहले आपको यहाँ जो आप आईडीस स्कैनर दिए थे और आपका स्लॉट दिए थे, ये प्रूव करती है इसमें घुसने वाला का ही ATM था, और इसके साथ जो भी छेड़खानी करेंगे वो पकड़ा जाएंगे। या इसको यदि वो उखाड़ने की प्रयास करेंगे तो ये इसका सिस्टम है, यदि इस पर कोई धक्का देता है अधिक फ्रिक्वेंसी की, इसके नीचे की प्लेट घसक जाती है और ये ज़मीन के अंदर चला जाता है और इसका ये जो प्लेट है वो बंद हो जाती है। हमारा ATM पूरा तरह से सेपरेट हो जाता है और इसमें जो आदमी रहते हैं फंसे रहते हैं। इसको फिर निकालने की तरीका है, प्रशासन को यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है, उस प्रशासन फिर आएंगे अपने वहाँ से कंप्यूटर से लॉगिन करेंगे, इसका गेट इन ओपन करेंगे, इसके बाद प्रशासन इसमें जो आदमी होंगे उसको गिरफ्तार करेंगे। इसके बाद बारी बारी से दूसरा बटन वहाँ क्लिक करने के बाद हमारा ये प्लेट हटेगी और इसको बैंक कर्मी इसको हाथ से उठाकर जैसे ही अपने नियत स्थान पे पहुँचाएंगे, उसके नीचे वाली जो ये प्लेट है वो लॉग इन कर जाती है और फिर से हमारा ATM चालू हो जाता है। यदि कोई इसको गैस कटर से काटता है घुस करके, जैसे इसको गैस कटर से काटने का प्रयास करता है, इसमें हमने कोई सेंसर का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि सेंसर अधिक खराब हो जाती है तुरंत। इसमें क्या होता है, इसको गर्म करने के बाद इसकी प्लेट छूट जाती है, अधिक गर्म नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा वातावरण का उसके अधिक टेम्परेचर इसको गर्म करेगा इस प्लेट को। जैसे ही हमारा ATM गर्म होगा ऐसे इसके अंदर की जो प्लेट है वो छूट जाती है। इस प्लेट छूटने के बाद उसी तरीका से जिस प्रकार इसको धक्का देने के बाद किया गया था, उसी प्रकार से ये ATM अंदर जाती है और फिर ये स्लॉट लग जाता है और इसके अंदर आदमी फंस जाते हैं। इसके बाद तीसरा है साइबर क्राइम। इस साइबर क्राइम को रोकने की मुख्य वजह है, और आदमी जो यहाँ पर कोई भी हैकर साइबर क्राइम करते हैं वो सबसे पहले आपका पासवर्ड गेन करते हैं, आपके पास उसका ATM रहता है और पासवर्ड गेन करके आपका उससे रुपया निकाल लेता है। यदि हमें इस पासवर्ड को हटा दूँ, कहीं कहीं मैंने देखा तो फिंगरप्रिंट भी आजकल की टेक्नोलॉजी में लगाया गया, कहाँ तक वो संभव है? उस जो भी टेक्नोलॉजी में फिंगरप्रिंट लगाते हैं उसका फिंगरप्रिंट आज बनाना बहुत ही आसान हो गया है। अभी भी कई सारी परीक्षा में और कहीं भी हैकर फिंगरप्रिंट आसानी से वो बना पाते हैं। इसको रोकने के लिए पासवर्ड भी हटाएंगे,
गुप्त पिन जिसको अपना लोग कहते हैं, इसके बाद फिंगरप्रिंट हटाने के बाद यदि मैं आईडी स्कैनर इसमें डालता हूँ वो पूरी तरह से हमारी सेफ होगी। और जो भी आदमी आएंगे सबसे पहले वो आईडी स्कैन देंगे तो ही रुपया निकलेगा, और जिसका वो एटीएम कार्ड रहेगा वही निकाल पाएंगे, और दूसरा इसमें कोई तरीका नहीं होगी। सो उसका कोई पड़ोसी या फिर बेटा या फिर पत्नी उसकी एटीएम से निकाल पाता है। तो क्या कह सकते हैं कि एक एटीएम वही इंसान यूज कर सकता है जिसका होगा? जी, यदि वो चाहते हैं तो हम दो आदमी इसको यूज करें तो उसमें दोनों का उसका आईडी स्कैनर देना पड़ेगा। तो क्या ऐसा भी तो पहले होता था ना कि अगर मेरा एटीएम है और हम उसका पिन अगर आपको बता देते हैं तो आप निकाल लेते थे? जी, आप उन्हीं का इसमें आप दे पाएंगे आईडी जिसमें उसका पहले से सेट किया गया। ऐसा नहीं होगा जिसको बता देने के बाद खोल पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले अभी क्या होता है किसी को बता देने के बाद निकाल पाते हैं, मगर नहीं, इनमें जिसका आईडी पहले से सेट होगा वही निकाल पाएंगे। तो क्या एक नया चीज कह सकते हैं आप? जी, मैं इसको पूरा नया चीज कह सकता हूँ। अच्छा, आपने एक बात और कहा कि हम एटीएम के अंदर जाते हैं, हमारा आई का स्कैनिंग होता है, तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था? जी, ये पहला नहीं होता था। मैंने इसलिए इसको देखा क्योंकि अभी जो साइबर क्राइम था दो था, एक पासवर्ड से अभी चल रहा है, अभी जो एटीएम लॉन्च हुआ है जो अभी जो चल रही है उसमें दो अभी पासवर्ड चलता है और दूसरा फिंगरप्रिंट चलता है। अब मैंने दोनों का एनालिसिस किया तो पता चला तो फिंगरप्रिंट और गुप्त नंबर जो डाला जाता है वो दोनों सुरक्षा दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो क्या कितने दिन का टाइम लगा इसको बनाने में और किन किन लोगों का मदद मिला है आपको इसको करने में, और जिला प्रशासन की तरफ से आपको क्या कुछ मदद मिला है? इसको मुझे बनाने में 4.25 महीना इसमें समय लगा है। इसमें जिला प्रशासन की ओर से कोई सहायता हमें नहीं दी गई थी। क्या अपनी गुहार नहीं लगाई जिला प्रशासन की? जी, मैंने इसमें दो बार गुहार लगाया था जिसमें हमारे डीएम साहब से मुलाकात एक बार हो पाई और उसमें उन्होंने बताई तो मैं यहाँ से कोई सहायता नहीं कर सकता, तुम पटना दिल्ली देख सकते हो। फिर आपने उसके बाद क्या किया? पटना का रास्ता आपने निकला या फिर घर में ही बैठकर इन चीज़ों को आपने बनाया? जी, मैं पटना का रास्ता नहीं निकल पाया और मैंने घर में ही बैठ करके इसका मॉडल बना रहा हूँ। और मुझे गवर्नमेंट यदि और सहायता करती या जिला प्रशासन की ओर से सहायता मिलती तो मैं इसको पूरी तरह से अपने एटीएम में लगा पाता, मैं इसको ओरिजिनल फॉर्म दे पाता। तो क्या लगता है ये बन के पूरा तैयार है? जी नहीं, अभी इसलिए नहीं तैयार मैं कर सकता हूँ। इसमें जो हमारा मुख्य वजह था साइबर क्राइम को रोकना, उसमें जो हमारी आईडी स्कैनर लगने वाली थी वो नहीं लग पा रही है। क्या उसमें परेशानी आ रही है? उसमें यही परेशानी आ रही है, सबसे पहले आईडी स्कैन जो हमारा यहाँ देंगे उसको मैच करने के लिए इसमें हमारा सिस्टम होना चाहिए, और वो सिस्टम उसमें पहले हमको 10 आदमी 25 आदमी 100 आदमी का उसमें आईडी स्कैनर देना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको मैच करके देखेंगे ऐसा हो पाता है या नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जिस उम्र में आपको पढ़ना चाहिए था, इंटर मैट्रिक करना चाहिए था, मगर उस उम्र में आपने एक नया चीज़ दिया है। वाकई हमें भी जब हमने इसको देखा तो हमको लगा कि वाकई आपने एक नया चीज़ का इजाद किया है और आने वाला कल बेहतर होगा। तो क्या ऐसा कुछ खेलने के, पढ़ने के उम्र में, खाने के उम्र में, पहनने के उम्र में, माता पिता के पैसे को खर्च करने की उम्र में, ऐसा क्या जुनून चढ़ गया कि आपने इस यंत्र को तैयार किया? क्या लगा आपको? जी, मैं बचपन से ही मैं विज्ञान की ओर में प्रगतिशील रहा हूँ, तो इससे पहले भी मैं कई आविष्कार किया, मैं ये हमारी दूसरी आविष्कार मानी जा रही है। जी, आपकी दूसरी है, पहला वाला क्या आपने कुछ? मैंने इससे पहले वही सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने बाहर से ताला न लग करके घर के अंदर से ताला लगती है, घर के अंदर आग लगने के बाद गेट ऑटोमेटिक खुलती है या फिर उसको छेड़खानी करने के बाद या तोड़ने के बाद हमारा मैसेज जाता है, और इतना ही नहीं यदि उस आदमी का मोबाइल बंद रहता है तो दूसरे पे कॉल ट्रांसफर होती रहती है। तो पहला बार जिस यंत्र का आपने प्रयोग किया तो कहाँ तक उसमें सफलता मिली और कहाँ तक पहुँचे थे, और वो जो सारा कुछ आप किए वो कहाँ तक पहुँच पाया, कितना सक्सेस हो पाया? जी, वो मेरा पूरी तरह से सक्सेस हो पाया है, और मैंने राज्य स्तर, जिला स्तरीय और नेशनल लेवल तक मैंने एग्जीबिशन लगाया, उसमें मैंने पूरे बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया इंस्पायर अवार्ड मानक में? तो क्या कुछ मिला था? जी, उसमें मुझे एक टेप और सर्टिफिकेट देकर मुझे सम्मानित किया गया था। तो ये आपकी दूसरी जात माना जाए? जी। तो क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से आप? मैं जिला प्रशासन से यही मांग करता हूँ हमारा सपोर्ट में, मैं इसको ओरिजिनल फॉर्म देना चाहता हूँ, ना कि ये मॉडल पूरी मैं ओरिजिनल एक लगा करके मैं उसकी पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे एटीएम चाहिए था। तो जिस हाई स्कूल से आप पढ़ रहे हैं और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे हुए हैं, तो क्या उस हाई स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक, बच्चे की तरफ से कुछ मदद नहीं मिला आपको? जी, मुझे विद्यालय प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं मिली है।
तो जिला का मॉडल स्कूल माना जाता है, और यंत्र के बारे में कहा जाए तो काफ़ी अधिक जो यूज करने के लायक हो या फिर इस मशीन में जो सारा कुछ लगने वाला सामान है, तो क्या उस मॉडल स्कूल में नहीं है क्या? हमारा विद्यालय जिला विद्यालय है, और मैं विद्यालय में खुशनसीब से मानता हूँ कि हमारे विद्यालय से कम मुझे प्रोत्साहित अधिक मिलती है, और मुझे जब प्रोत्साहित विद्यालय की ओर से किया जाता है तो और मैं इस पे प्रति और मैं ध्यान देता हूँ। सो मैं मुझे आश्वासन मिलता है, नहीं बेटा तुम कुछ कर रहे हो, मुझे भी लगता नहीं इसमें और मुझे करना चाहिए। तो अगर जिला प्रशासन या फिर आप जिस हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या अगर वहाँ से अगर आपके आवाज़ों को दबा दिया जाता है और इस काम को लेकर काफ़ी वो लोग कंसर्स नहीं दिख रहे हैं, तो आगे आप क्या करेंगे और अपनी गुहार कहाँ लगाएंगे, या फिर अपने पैसे से, अपने माता पिता के पैसे से इस काम को क्या अंतिम रूप दे पाएंगे आप? मैं इसको इसलिए मैं नहीं दे पाऊँगा अंतिम रूप, क्योंकि अभी हमारे पास उतनी सिस्टम डेवलप नहीं है कि हमारे पास उतनी बड़ी लैब नहीं, उतनी बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, और उतनी बड़ी हमारे पास जो इसमें कोई सॉफ्टवेयर है, मैं उतना सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानता हूँ, क्योंकि जब तक हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं होगी तब तक ऐसा उसमें आईडी स्कैनर लगाना संभव नहीं हो पाएगा। तो कितने भाई बहन आप ये बताइए? जी हम एक भाई और एक बहन है। तो बहन का कुछ इसमें रोल नहीं है? जी इसमें पूरा पूरी सपोर्ट मुझे अपने परिवार, अपनी बहन से मिलती है, क्योंकि अभी जितना भी हमारा मॉडल बन रहा है वो हमारे पूरी परिवार की ओर से। आपकी बहन का कितना रोल है ये बताइए ना। हमारी बहन की से पूरी पूरी है, क्योंकि मैं जब इसमें बनाता हूँ इसमें अधिक, जब मैं कोई इसमें एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो पहले अपने में एनालिसिस करते हैं क्या मेरा ये ठीक है, तो उसमें बहन हमारी बताते नहीं ऐसे करने से ऐसे होता है। तो क्या वो सचमुच ऐसे ऐसे नहीं हो कि ऐसे होता है क्या? जी जरूर होती है। चलिए हम थोड़ा बहन से मिलवा दीजिए। मधेपुरा लाइव न्यूज की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप एक खुशनसीब भाई के बहन हैं और इस काम में आपका भी काफी अहम योगदान है और इस काम को आप भी काफी बखूबी निभाती हैं। क्या लगता है, कैसे देखते हैं इस काम को? मैं इस काम को अच्छी तरह से देखती हूँ, इस काम को मैं भी करने के लिए बहुत जिम्मेदारी निभाती हूँ। भाई का मदद भी करती होंगे आप? यस। क्या आपको पढ़ लिख के क्या बनना है? मुझे पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना है। मगर डॉक्टर बनना है और इस काम को काफ़ी बखूबी आप निभाती हैं, भाई के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से इस काम को अंजाम देती है और हाथ भी बटाती हैं। हाँ तो मैं अभी साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, लेकिन और बड़े होकर के मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कितनी क्लास में पढ़ती? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ, सेक्शन डी। किस स्कूल में? SNPM+2 स्कूल मधेपुरा। वाकई कुछ काम को करने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है, और जिला प्रशासन हो या फिर बच्चे जिस स्कूल में पढ़े उनके तरफ से भी उसको कुछ मदद अगर मिल पाता है तो वाकई एक आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जिस मुकाम का आपको बेसब्री से इंतज़ार होता। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन या फिर हाई स्कूल की तरफ से इनको क्या कुछ मिल पाता है जो एक नए चीज़ इस हिंदुस्तान को देने जा रहे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस वक्त के लिए मधेपुरा से मिराज आलम।